हमारी क्वालिटी वाली वीडियो बने। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेज को क्रिएट करना। अब पेज को किस तरह क्रिएट करना है ये एक सवाल है। ये तीन जो लाइनें नज़र आ रही हैं इसको हमने क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ पर पेजेस की ऑप्शन आ गई। पेजेस की ऑप्शन आते ही यहाँ पर मेरे 8-9 पेजेस आपको नज़र आ गए होंगे। यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू पेज पर क्लिक करूँगा। पेज पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा एडवोकेट अब्दुल मतीन, ये सारे कैपिटल हो गए, ADV अब्दुल मतीन शरर, कैटेगरी में सेलेक्ट करूंगा। देखें ये मैं जो पेज बना रहा हूं ये मेरा पर्सनल पेज है। जो पेज का लिंक आपको रात वीडियो ग्रुप में आई थी वो बिजनेस पेज है, ये भी बिजनेस पेज है, लेकिन वो प्रोफेशनल बिजनेस पेज है जहां पर बिजनेस हो रहा है। और यहां पर ऐसा पेज मैंने बनाया है जो मेरे मुतल्लिक है, समझ आई? बिजनेस ये किस तरह इस्तेमाल हो सकेगा, मान लीजिए अगर मैं एडवोकेसी करूं तो गालिब अमकान है कि मेरे पेज पर इतना फॉलोअर हो कि मुझे फट्टे पर बैठ के क्लाइंट्स को एंगेज ना करना पड़े, मेरा क्लाइंट इधर से सारा आ जाए, मेरी बात समझ? उसके लिए फिर बातों में दम होना चाहिए, क्लाइंट्स को एंगेज करना चाहिए, पब्लिक राइट्स पर बोलना पड़ता है, सो मेनी थिंग्स। यहां तक क्लियर? तो रात मैंने जो कैटेगरी सेलेक्ट की थी वो मैंने डीजी ग्लोबल के लिए सेलेक्ट की। किसने वीडियो नहीं देखी पहले हाथ खड़ा कर दें ताकि मुझे अंदाजा हो जाए। वन, सबने देख लिया, ओके। आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हैं, वीडियो इज इट नेसेसरी? ठीक है, नहीं अगर नेसेसरी है तो कर लें, नो प्रॉब्लम। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब कैटेगरी में ना जब वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हो तो प्लीज मास्क पहन लिया करें ताकि किसी किस्म का कोई इशू पैदा ना हो। हाँ, कैटेगरी के लिए हमने क्या करना है, मैं यहां पर लिखूंगा कैटेगरी में कि मैं लॉयर और लॉ फर्म, लॉयर एंड लॉ फर्म। क्यों? कल जब मैंने चुना तो मैंने लिखा एजुकेशनल कंसल्टेंट, आज मैंने चुनी है कैटेगरी लॉयर एंड लॉ फर्म। अब बताता हूं मजीद, यहां पर मैं लिखूंगा क्रिमिनल लॉयर। क्रिमिनल लॉयर का मतलब वो लॉयर नहीं होता जो क्राइम करता है, क्रिमिनल लॉयर का मतलब होता है वो वकील जो क्राइम्स को डील करता है। मान लीजिए कत्ल हो गया, अब कत्ल के मुजरमों को डील करने के लिए जो वकील होगा उसको क्रिमिनल लॉयर कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर साथ ही साथ मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा कंसल्टेंट, कंसल्टेंट भी हूं किसी तरीके से, कंसल्टिंग एजेंसी भी है। रीजन, कोई क्लाइंट आता है वो कहता है सर केस से नहीं तुम देना, सिर्फ कंसल्ट करना है, तो कंसल्ट करने का वो समझते हैं फ्री में कंसल्टेशन होती है, और वो इसलिए कंसल्टेशन को फ्री समझते हैं, वो कहते हैं कुछ किता थी गा नहीं। लोगों को आज तक ये लगता है कि अगर प्रोडक्ट कुछ मिले तभी पैसे देने हैं, तो आप मुझे बताएं कि एक बंदे ने इतनी मेहनत की है किताबें पढ़ के और नॉलेज गेन करके, तो वो फिर अपने नॉलेज शेयर करने के भी पैसे लेते हैं। अभी आपसे नॉलेज शेयर करने के पैसे ले रहे हैं, मेरी बात समझे हैं? तो क्लाइंट क्या समझता है कि वकील से अगर मशवरा लिया तो उसको कोई पैसे नहीं देने, तो हमने कंसल्टिंग एजेंसी बना दी अपने आप को कि हमारी एजेंसी है कंसल्ट करना, अगर आपने कंसल्ट करवाना है तो रोकड़ा दो, उसके बगैर कोई काम नहीं होगा, ठीक है? लेकिन ऐसा होता नहीं है, वकील बड़े अच्छे होते हैं, वो फ्री में कंसल्ट करते हैं। और कोई औरत आती है ना अपने खावंद की शिकायत लगाती है और वकील बड़ा अच्छा मशवरा देता है उसको, वो कहते बाजी एवं खबीस मर्द ना ही रहना, तलाक तलाक तलाक, उत्थे बैठे बैठे ऐसी कंसल्टेशन देगा, तलाकां कराने वाली आंटियां। अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा अपनी कि हम क्या क्या काम करते हैं, क्लियर है? अब डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखें, डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा हाय हाय, दिस इज एडवोकेट अब्दुल मतीन एंड आई डील विद एवरी kind of case। यहां पर मैंने ग्रामरली लगाया तो जहां पर स्पेलिंग गलत होंगे ग्रामरली मेरा ठीक कर देगा, क्लियर है? विद एवरी काइंड ऑफ केस विद माई टीम ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स। हर मरतबा डिस्क्रिप्शन सेम नहीं होती, जिस तरह आप सबने एक डिस्क्रिप्शन कल पकड़ ली थी सबके स्टेटसिस पे वही डिस्क्रिप्शन थी, डिस्क्रिप्शन को चेंज कर करके लिखें वरना मैं पकड़ा जाऊंगा, दुनिया के कि डीजी ग्लोबल में ये सिखाया जा रहा है। हाय, दिस इज एडवोकेट अब्दुल मतीन शरर एंड वी डील विद एवरी काइंड ऑफ केस विद माय टीम ऑफ लीगल एक्सपर्ट, ओके।
हाँ, अब यहां पर हाई को अंडरलाइन कर दिया, इट मींस कि मुझे यहां पर ये कोमा लगाना पड़ेगा। तो ग्रामरली एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, आपने ग्रामरली की सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी, ग्रामरली की एक्सटेंशन लगा लेनी है। ग्रामरली की एक्सटेंशन किस तरह लगाते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर लें हाउ टू यूज ग्रामरली एक्सटेंशन, फ्री में मिलती है, अपने लैपटॉप पे लगाएं, कभी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा, वी डील इन क्रिमिनल केसेस एंड सिविल केसेस एंड पब्लिक राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इश्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैरिज एंड डिवोर्स। इसमें हमारा मेजर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल। आई वुड लाइक टू डू एडवोकेसी इन कॉन्स्टिट्यूशनल साइट हैविंग पब्लिक राइट्स। क्लियर, पता कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स क्या करते हैं, आइन की हिफाजत करते हैं, लोगों के पब्लिक राइट्स के लिए लड़ते हैं। ये वकालत से पैसा नहीं कमाते, ये अपने बिजनेस से पैसा कमाते हैं और उस पैसे को वकालत पे लगाते हैं। ठीक है, और ये जो क्रिमिनल केसेस हैं, हाय हाय, इनमें जो सबसे दबंग कैटेगरी है वो क्रिमिनल केसेस की, लड़कियों के लिए कोई भी कैटेगरी, हाँ ये इनको मिलती ही ये कैटेगरी है। लड़की आकर अपने मसाइल मर्द वकील को नहीं बताती, और लड़कियां आजकल की पंजाबी में फप्पे कुटनियां हैं, हकीकत है। और मैं आपको एक वकील की नज़म सुनाऊंगा कि वकील की क्या दुआ होती है, आप कभी सुनिएगा। आसम सिंधु साहब मेरे भाई हैं, उन्होंने ये नज़म लिखी है, कभी वक्त मिला तो आपको वकील की दुआ सुनाएंगे कि वो सुबह फजर नवाज सी मसलत वकील सी, हाथ जोड़ की उन्हें रब तो अपील सी, चंगा जिया दिन नंगे आ जाए चैस जी, कतल का केस हो गाक जाए फस जी। सो एक पूरी नज़म है जिसमें इन लड़कियों का भी जिक्र आता है जो इस मूड में वकील के पास आती हैं कि चलें कुछ ना कुछ यहीं पर बन जाए। और लड़की वकील के पास ज़्यादातर यही केस आता है, हकीकत है, क्योंकि एक फीमेल जो होती है ना, अगर उसको अपने खावन से कोई इशू है तो वो एक लड़की वकील के पास जाकर आसानी से बताती, मर्द वकील के पास आकर वो बताने से हिचकिचाती है। लेकिन कई औरतें इसलिए आती हैं कि यार मर्द वकील है, जरा भारा नाल लड़ेगा केस। इसमें लड़ने वाली क्या, जिसने कोर्ट में जाना है, कोर्ट ने तो एक मरतबा पूछना, हाँ बीबी नाल रहना है कि नहीं, उसने कहना नहीं, कोर्ट ने कहना ठीक है जाओ तलाक, किसी को कोई टेंशन नहीं है। समझ आई है, बच्चों का मुस्तकबिल जाया और दोनों को, हमारी तो प्रैक्टिस है। अब आप कहेंगे पेज क्रिएशन से हटके हम मॉरल एथिक्स पे बात करना शुरू कर दिए, लेकिन ये पढ़ाई का हिस्सा है। ठीक है, और उन लड़कियों को भी कुछ नहीं मिलता, उन मर्दों को भी नहीं कुछ मिलता। दुआजू, दुआजू इनको कहते हैं पंजाबी में, पता है दुआजू। हाँ, उससे बुरी औरत उसको मिलती है बाद में, मर्द को, और औरत को उससे बुरा खावन मिलता है, और बच्चों को सतेले माँ बाप मिलते हैं, उनका मुस्तकबिल खत्म। इसलिए कोशिश कीजिए कि जैसे भी इश्यूज हैं उनको डील करें। बाय द वे, डील करते हैं एडवोकेट अब्दुल मतीन शरर के न्यू पेज से। यहां तक अभी तक मैंने क्या किया है, मैंने अपना नेम लिखा, नेम के साथ साथ मैंने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट की, 8 नंबर की, 8 मिनट की होगी है इसको।